सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो में आपके साथ इकोनॉमिक्स के ब्लॉक वन को शेयर किया था और रेस्ट हमारे पास चार ब्लॉक्स बच गए थे जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस कुछ क्वेश्चंस मुझे बताना था। सो आज मैं उन चारों ब्लॉक्स को यहीं पे कंप्लीट कर देती हूँ, ओके, ताकि आपको आपके एग्जाम्स के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाए प्लस पढ़ने के लिए भी। सो गाइज, जैसे कि आप लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप में से कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा फॉर श्योर आपको ये सब्जेक्ट इजी लग रहा होगा, बट अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है या फिर कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसका बैंकिंग, ट्रेडिंग या फाइनेंसेस वगैरह से दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। वैसे है ये सब्जेक्ट बहुत ईजी, बिल्कुल ही सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट्स है और रेस्ट कुछ भी नहीं है और आप खुद से भी आंसर लिख सकते हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात ये है कि अगर मैं आपको अभी ब्लॉक वाइज बता भी दूँ ना, कि आप वो पांचों ब्लॉक्स को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम में और अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ब्लॉक्स को पढ़ने के साथ साथ एक मेन चीज़ जो आपको करनी है आपके एग्ज़ाम तक, वो ये है कि प्लीज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप पैटर्न समझोगे और उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था, मैं भी साइंस स्ट्रीम से हूँ, मुझे भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का कुछ भी नहीं पता, बट जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो उस टाइम ये सब्जेक्ट मुझे बहुत इजी लगा था। बट स्टिल उस वक्त आप लोग के जैसा मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉक वाइज कवर अप करूं, इसलिए मैंने अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो आपको अपनी बुक्स दिखाई है, जो मैं हमेशा से आपको दिखा रही हूँ, ये गली बाबा वाली बुक, मैंने अपना सारा फोकस इसी बुक पे दिया था और मैंने इसी बुक से पढ़ के अपना एग्ज़ाम दिया था। इस बुक से मैं करती ये थी कि इस बुक में आपको नोट्स की तरह कुछ अवेलेबल नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके यूनिट वाइज पांचों ब्लॉक्स के। यू कैन सी वो इतने बड़े बड़े पांच ब्लॉक्स इस छोटी सी बुक में कवर अप कर दिया गया है, तो ये है ना आपके लिए ग्रेट अच्छी बात। तो मेरे लिए तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी। बट अभी अगर आप जाके इस बुक को बाय करते हो तो मुझे नहीं लगता फिर ये आपके लिए कोई काम देगा, बिकॉज इसका काम सिर्फ आपको एग्ज़ाम तक ही होगा। तो वैसे ही इस बुक का प्राइस ज़्यादा नहीं है जैसा मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो आप ले भी सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, और रेस्ट आप ब्लॉक वाइज जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। बट मेन चीज़ करना ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज अभी आपको सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है। आपको ये चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सारे सब्जेक्ट एक बार में ही क्लियर करना है। सो अगर मैं आपके यूनिट वाइज बात करूँ ब्लॉक टू के, तो ब्लॉक टू का यूनिट फाइव जो है वो मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंसेस हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या है, मेथड्स क्या हैं फाइनेंस रेज करने के लिए, इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंस के लिए। देखो एक ट्रिक मैं बताती हूँ, आप उसका जो स्ट्रक्चर है चैप्टर का वो खोलना, तो उसमें आप ये करना जस्ट लाइक दिस, आप मैं यहाँ पे आपको लाइक पीडीएफ खोल करके दिखा रही हूँ, आप अपने बुक को लेना, उसमें ये जो स्ट्रक्चर्स दिया रहता है ये पूरे यूनिट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे नीड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे में आपको करना क्या, आप देख लो कि किस किस टॉपिक को यूनिट में मेंशन किया गया है और उस टॉपिक को आप गूगल में सर्च करो। लाइक जस्ट गूगल में यहाँ पे आप टाइप करो मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस और उसमें आपको डिस्क्राइब करके वो सब कुछ बता दे। जैसे ही आपने वहाँ पे टाइप किया मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, वहाँ पे व्हाट इज़ फाइनेंस, मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, उसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, ये सब कुछ खुल के आ जाएगा। तो आपको बस करना ये है, आप उस जो आपको जो वहाँ पे पैराग्राफ वगैरह दिया रहेगा, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी, उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अपने अपने वेज में, अपने लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म में, या फिर आप उसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि ये जो इतने बड़ा जो ब्लॉक्स है ये पूरा का पूरा, इसे पढ़ने की जगह आप शॉर्ट में इसी टॉपिक्स को पढ़ सकते हो प्लस अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ लेना, ताकि अगर वहाँ पे वर्ड लिमिट ज़्यादा रहे तो आप कुछ खुद से भी बना करके वहाँ पे लिख दो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पॉइंट वाइज जो भी कुछ वहाँ पे आता है डिटेल्स का लिखा हुआ, बस उस पॉइंट्स को पढ़ लो। जितने भी यूनिट्स हैं आपके ब्लॉक्स के बचे हुए, सारे यूनिट्स को आपको इस तरह ही पढ़ना है, तभी आप कम टाइम में अपने ब्लॉक्स को कवर अप कर पाओगे। ये तब के लिए है जब आप ब्लॉक वाइज पढ़ रहे हो, यूनिट वाइज पढ़ रहे हो। अगर आप शॉर्टकट मारना चाहते हो तो
करना बस इतना सा है, पुराने सैम्पल्स पेपर्स को सॉल्व करो, पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्लस जो क्वेश्चंस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, वो आपके लिए शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो फिर आप यूनिट्स के नाम जो हैं वो गूगल में टाइप करो या देखो, और जो यूनिट समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसे गूगल में टाइप करो और ट्राई करना कि पॉइंट वाइज याद करना, उससे आपको लिखने में भी आराम होगा। सो रेस्ट सारे ब्लॉक्स के लिए आपको यही करना है। आप ब्लॉक वाइज मेरे बताने से भी लाइक कुछ मतलब उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा अगर मैं ऐसी ही लंबी लंबी वीडियो बना करके डालती रहूँगी। तो मेनली फोकस ये करना, खुद की स्ट्रैटेजी यूज़ करो कि आप कैसे एग्ज़ाम में पढ़ते हो, क्या आपका तरीका है पढ़ने का, आप कैसे कम टाइम में इसको कवर कर लोगे, बुक पढ़ के कवर करोगे, ऑनलाइन हेल्प लेके कवर करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व लेके कवर करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज़ हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पांचों ब्लॉक्स के लिए बता दिया एक बार में ही कि आपको करना क्या है। अगर पांचों ब्लॉक्स कवर नहीं होते हैं नो प्रॉब्लम, जैसा मैंने बताया क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके वहाँ पे कमेंट में हेल्प कर दूँगी।